दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनमें एक बात कॉमन मिलेगी, वो सब के सब महान सेल्समैन है। आज की कहानी भी एक ऐसे इंसान की है जिसने पूरी स्नैक इंडस्ट्री ही बदल के रख दी और वर्ल्ड वॉर के टाइम अपने प्रोडक्ट को एक एसेंशियल प्रोडक्ट में टैग किया। 1920 में पेप्सी बेचने से स्टार्ट किया जो आगे चल के दुनिया का सबसे बड़ा सेल्समैन बना। 1929 के ग्रेट डिप्रेशन आया और उसकी जॉब चली गई। गुजारा करने के लिए आलू चिप्स बेचकर स्कूल, हॉस्पिटल और पेट्रोल पंप्स के सामने बेचना शुरू किया और आगे जाके दुनिया की चिप्स इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज किया। ये जना कोई और नहीं बल्कि हरमन ले हैं, जिन्होंने मेरे और आपके फेवरेट स्नैक लेस की शुरुआत करी। हरमन ले का जन्म ईयर 1909 में नॉर्थ कैरोलिना के चार्लटल सिटी में हुआ। बचपन से ही हरमन ले को बिजनेस में काफी इंटरेस्ट था। घर के पास एक बेसबॉल ग्राउंड भी था जहाँ लोग अक्सर मैच देखने आते थे। उन्होंने नोटिस किया कि जो पेप्सी कोला मार्केट से 4 सेंट्स में मिलती है वो ग्राउंड के आसपास करीब 10 सेंट्स में बिकती थी। उन्होंने 5 सेंट्स में वही पेप्सी कोला घर से बेचना स्टार्ट कर दिया। सेल्स बढ़ते ही कुछ एम्प्लॉइज को अपने साथ बचपन के दिनों में ही रख लिया। हाई स्कूल तक पढ़ने के बाद हरमन ले फुल फ्लेज्ड बिजनेस में आ गए। नॉर्थ कैरोलिना में बड़ी परेड होने वाली थी जहां हरमन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर $100 इन्वेस्ट करे और आइसक्रीम बेचने का डिसाइड किया। उस दिन परेड का रूट बदल दिया गया जिसकी वजह से हरमन और उसके फ्रेंड्स को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। हरमन ने एक के बाद कई और बिजनेसेस करने का ट्राई किया पर काम नहीं बना। काफी ट्राई करने के बाद हरमन को बैरेट स्नैक एंड फूड कंपनी में ट्रक ड्राइवर की जॉब मिली। उस समय स्नैक का US में कोई बड़ा कॉम्पिटिटर नहीं था। मार्केट में मेनली कैंडीज ही बिकती थी जिसकी वजह से बेस्ट स्नैक एंड कंपनी की सेल्स काफी हाई थी। हरमन ने कंपनी के लिए सेल्स करना स्टार्ट करी और घर घर जाके खुले चिप्स बेचना स्टार्ट कर दिए। धीरे धीरे मार्केट में डिमांड बढ़ने लगी और वो बैरेट स्नैक एंड फूड कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। कुछ समय बाद बैरेट स्नैक एंड फूड कंपनी के फाउंडर की डेथ हो गई और फैमिली इस कंपनी को $60,000 में बेचना चाहती थी। मार्केट में चिप्स की डिमांड होने की वजह से हरमन इस कंपनी को खरीदना चाहते थे। खरीदने के लिए उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी और काफी बड़ा अमाउंट बैंक से लोन भी लिया और धीरे धीरे आगे जाके उन्होंने बैरेट स्नैक का नाम बदलकर HW ले कर दिया। बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए हरमन ने पूरे US मार्केट में चिप्स बेचने का प्लान किया और ऐसा करने वाले वो US के सबसे पहले इंसान थे, क्योंकि चिप्स को स्टोर करके उसकी शिपिंग करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी, क्योंकि पोटैटो चिप्स को पेपर बैग में क्लिप लगा के बेचा जाता था जिससे पैकेट ऑयल से खराब हो जाता था और मॉइस्चर की वजह से चिप्स भी खराब हो जाते थे। चिप्स को प्रिजर्व करने के लिए ग्लासीन नाम का स्पेशल बैग और सील ढूंढा जिसको उस टाइम पे स्टैम्प्स प्रिजर्व करने के लिए यूज करते थे। ग्लासीन मॉइस्चर और वाटर रेजिस्टेंट था जिससे चिप्स को लंबे समय तक फ्रेश रखा जा सकता था। नई तरीके की पैकिंग की हेल्प की वजह से उन्होंने अपने चिप्स को पूरे US में बेचना स्टार्ट कर दिया, जहां उनको एक और नई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। चिप्स को मैन्युअली हैंड से ही पैक करना पड़ता था। सॉल्यूशन सिर्फ एक ही था, ऑटोमेटिक पैकेजिंग मशीन्स। प्रॉब्लम सॉर्ट करने के बाद हरमन ने पूरे US में देखना शुरू किया कि वो अपने चिप्स कहाँ सेल कर सकते हैं, जहाँ समझ आया कि ग्रॉसरी शॉप्स और सुपरमार्केट उनका सबसे बड़ा ऑप्शन बन सकता है। रीजन सिंपल था, छोटे छोटे बच्चे जो अपने पेरेंट्स के साथ शॉपिंग पे आते थे। ईयर एंड तक लेस 10 स्टेट्स में अवेलेबल था। 1939 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। वॉर सिचुएशंस को देखते हुए गवर्नमेंट ने 300 नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स पे बैन लगा दिया जो मार्केट में अर्जेंटली रिक्वायर्ड नहीं थे। इन 300 प्रोडक्ट्स में लेस भी था, जिसका सिंपल एक ही मतलब था, बिजनेस बंद हो जाना। हरमन लेस को एक एसेंशियल प्रोडक्ट मानते थे और अमेरिकन गवर्नमेंट के सामने अपना रीजन रखा कि अगर वॉर के टाइम आर्मी को इंस्टेंट फूड की जरूरत होगी तो लेस उसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि ये बिल्कुल ही रेडी टू ईट होता है और इंस्टेंटली फाड़कर खाया जा सकता है। अगले 7 मंथ्स में उन्होंने गवर्नमेंट से पूरे US में लेस से बैन हटवा दिया। वर्ल्ड वॉर टू के एंड तक लेस US की दूसरी सबसे बड़ी फूड कंपनी बन गई। वहीं नंबर 1 पर थी फ्रीटो जो पॉपकॉर्न बेचती थी। फ्रीटो की मोनोपोली ईस्टर्न US में थी, वहीं लेस की मोनोपोली वेस्टर्न रीजन में थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लेस US में तेजी से एक्सपैंड कर रही थी, लेकिन नोटिस किया कि फ्रीटो उनकी टेरिटरी में आकर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना चाहती थी। हरमन लेस कॉम्पिटिशन से ज्यादा कोलैबोरेशन में बिलीव करते थे। फ्रीटो के फाउंडर चार्ल्स के साथ एक मीटिंग की और साथ में बिजनेस करने का प्रपोजल रखा। चार्ल्स को ये प्रपोजल काफी ज्यादा पसंद आया और दोनों के बीच एग्रीमेंट होता है
है जिसमें लेज एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरर बन जाती है। दोनों कंपनी सेम स्टोर्स में अपने फ्रीटो और लेज बेचने पे एग्री हो जाते हैं और इस फैसले ने पूरी तरीके से हिस्ट्री बदल कर रख दी। जहां लेज की एनुअल सेल्स करीब 16 मिलियन डॉलर्स थी, वहीं फ्रीटो 26 मिलियन पे पहुंच गया। लेज मार्केट में सैचुरेशन लेवल तक पहुंचता जा रहा था, नए कस्टमर्स ऐड नहीं हो रहे थे और अपने एग्रीमेंट की वजह से साउथ वेस्टर्न रीजन में अपने प्रोडक्ट सेल नहीं कर पा रहे थे, जहां मार्केट में काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। ये बेसिकली वो टाइम था जब अमेरिकन्स की इकोनॉमी और बाइंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही थी। नई डिमांड्स को देखते हुए हरमन ने नए फ्लेवर्स लॉन्च करना शुरू किए, जैसे कि पेपरिका, टमाटो, गार्लिक और मस्टर्ड सीड्स। नए फ्लेवर्स ने लेस की सेल्स बढ़ा दी और जल्द ही लेस 30 से ज्यादा स्टेट्स में अवेलेबल था। लेस की सेल्स बढ़ रही थी और वहीं फ्रीटो की सेल्स ऑल टाइम हाई पे थी। लेकिन उस टाइम फ्रीटो के साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। उनके फाउंडर चार्ल्स की डेथ हो जाती है और कंपनी बिना फाउंडर और विजन के आगे नहीं बढ़ पाती। हरमन ने कंपनी को खरीद लिया और अब नाम फ्रीटो लेस हो चुका था। दोनों कंपनीज के एक्सपेंशन पे फोकस बढ़ाया और देखा कि अब टीवी एडवर्टाइजमेंट का टाइम है, जहां पर टीवी में बहुत ही लिमिटेड चैनल्स आते थे और लोग टीवी पर वही सेम मूवी और एड्स देखना पसंद करते थे। इन सारी चीजों के बाद उन्होंने लेस का सबसे पहला आइकॉनिक एड लॉन्च किया। सेल्स 180 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई और लेस अमेरिका का नंबर वन ब्रांड बन गया। हरमन एक विजनरी लीडर थे जिनका मानना सिंपल था कि अगर हमें मार्केट में एक्सपैंड करना है तो हमारे को नई फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ेंगी, लेकिन हमें मार्केट में तेजी से ग्रो होना है तो हमारे को बड़ी कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा। और यहीं पर रियलाइज किया कि अगर पेप्सी कोला के साथ मर्ज कर लेते हैं तो हम पूरी दुनिया में काफी तेजी से एक्सपैंड करेंगे। मर्जर पेप्सी कोला के साथ करते ही पहले साल में करीब 600 मिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू हुआ और कुछ ही टाइम में लेस 100 से ज्यादा कंट्रीज में अवेलेबल था। आज लेस का मार्केट शेयर करीब 65% है और वो पेप्सिको का सबसे प्रॉफिटेबल वेंचर्स में से एक है। इस वीडियो से हमें बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है कि अगर हम कभी किसी से कॉम्पीट करते हैं तो हम उसी के बराबर रह जाएंगे, लेकिन अगर हमारे को बढ़ना है तो हमारे को कोलैबोरेट करना ही पड़ेगा। आप खुद भी बढ़िए और अपने कॉम्पिटिटर को भी आगे बढ़ाइए, जो एक्चुअली हरमन ने किया। उन्होंने फ्रीटो के साथ फाइट नहीं की, मार्केट में उन्होंने फ्रीटो के साथ खुद को ग्रो करना शुरू किया, जहां बेसिकली दोनों कंपनीज प्रॉफिटेबल हुई और एक्सपैंड भी करी। अगर आप भी ये लेसन्स अपने बिजनेस या करियर में अप्लाई करेंगे तो आप खुद भी ग्रो होगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में भी शेयर करिए कि उनका जो लेज ब्रांड है वो कहां से शुरू हुआ और आज कहां पे है। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए इस चैनल पे बने रहिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।